पंजाब में घर घर का तांडव देख हरियाणा और फतेहाबाद प्रशासन अलर्ट पर है। किनारों तक बह रही घग्गर नदी ने लोगों की नींद उड़ाई। घग्गर के किनारे निवासी बोले कि पंजाब में घग्गर नदी कई जगह से टूटने के बाद फतेहाबाद में प्रशासन से अपील की गई है कि समय रहते इसका इंतजाम पूरा किया जाए। वही नदी के किनारे बसे गांव के लोग चिंतित हैं और जिला राजस्व एवं आपदा प्रबंधन अधिकारी राजेश कुमार बोले कि अभी स्थिति ठीक है और कंट्रोल में है। फतेहाबाद में घग्गर नदी का बहाव अभी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सभी विभागों को अलर्ट में रखा हुआ है। अगर बाढ़ की स्थिति बनती है या कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पल पल फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के साथ लगते पंजाब क्षेत्र के तटबंध टूटने के कारण घग्गर नदी के तांडव को देखते हुए हरियाणा के लोग सकते में हैं, लेकिन वहीं फतेहाबाद जिले में रतिया टोहाना जाखल क्षेत्र से घग्गर नदी का प्रवाह है और वहीं फिलहाल घग्गर नदी बिल्कुल किनारे तक पहुंच चुकी है, लेकिन शाम से बताया जा रहा था कि पानी काफ़ी नीचे आया है। ऐसे में फतेहाबाद के लोगों को पंजाब में घग्गर नदी की वजह से बाढ़ जैसे हालात का डर यहां भी सता रहा है। हालांकि यहां पर नदी का बहाव बिल्कुल शांत है, लेकिन किनारे तक पानी आ जाने के कारण लोगों में अशांति का माहौल बन चुका है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन उनकी भी नींद उड़ी हुई है। एक तरफ जहां नदी के किनारे रहने वाले लोग नदी में पानी के लेवल पर नज़र रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी समय समय पर नदी के जल स्तर को जांचता रहता है। घग्गर नदी के किनारे बसे अलीका गांव निवासी नसीब सिंह ने बताया कि नदी का बहाव फिलहाल कंट्रोल में दिख रहा है, लेकिन तटबंध कच्चे होने तथा नदी का बहाव किनारों के ऊपर तक होने की वजह से उनको डर सता रहा है, क्योंकि जो बीच में छोटे तटबंध थे उनके ऊपर से पानी गुजर रहा है, लेकिन बड़ा बांध अभी सुरक्षित है। पंजाब की तरफ से कई जगह पर तट टूट चुके हैं, जिससे काफ़ी पानी बहा है और नुकसान भी हुआ है। इसकी वजह से जिला राजस्व आपदा प्रबंधन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि किसी भी समय नदी पंजाब की तरफ से कहीं टूट गई तो गांव के गांव डूबने में देर नहीं लगेगी। वहीं दूसरी तरफ जिला राजस्व अधिकारी ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि फतेहाबाद इलाके में घग्गर नदी का पानी का लेवल फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन हमने सभी विभागों को अलर्ट पर रखा हुआ है। पानी का बहाव सुचारू रूप से जारी है, लेकिन पीछे से कहीं कई जगह पर पानी अधिक होने की वजह से तट भी टूटे हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। किसी की जान हानि का नुकसान अभी तक सामने नहीं आया है और न ही होने दिया जाएगा। प्रशासन लगातार कर रहे हैं, कार्रवाई देख रहे हैं, आते हैं, देख के जाते हैं। कोई वैसे ऐसी दिक्कत, बाहर वाली दिक्कत हमारे एरिया में तो नहीं आई, लेकिन आगे जहाँ भी आई है बांध वगैरह टूटे हैं। पर पीछे दो दिन में संगरूर में टूटा था बांध, तो उस पर भी प्रशासन के बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रशासन पूरा साथ दे रहा है, गाँव वाले भी साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ऐसी बात तो नहीं हुई है अभी। कोई जानी माल का कोई नुकसान तो नहीं है, फसल का भी ज़्यादा नुकसान नहीं है। कोई एक दो एकड़ है जो साथ साथ गांव के साथ जो नीचे थे, जिनका थोड़े से नीचे थे ना घग्गर नदी के पास में, तो वो डूबी हैं फसलें। हमारी प्रशासन से यही अपील है कि जहाँ जहाँ जैसे बांध टूटे हैं, बड़ा नुकसान हुआ है, कई गाँव डूब गए हैं, तो प्रशासन से यही अपील है कि उन कच्चे बांधों को पक्का करवाया जाए कि आगे से ऐसा नुकसान ना हो सके। सर, घग्गर को लेकर क्या है जलस्तर की स्थिति और क्या तैयारियां सर डिपार्टमेंट की तरफ से अगर जलस्तर बढ़ता है तो? हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी घग्गर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा पानी हमारे एरिया में नहीं है ताकि घग्गर ओवर फ्लो हो जाए और साइडों में पानी चला जाए, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है अभी बाढ़ की। अगर कोई हो भी गई तो हमारे पूरे डिपार्टमेंट्स को हमने अलर्ट कर रखा है, हमारे सभी साधन मौजूद है। हमने फतेहाबाद से जो घग्गर हमारी है जो क्रॉस जो है उसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि वो ओवर फ्लो हो। डिपार्टमेंट सब हमने अलर्ट कर रखे हैं, जितने भी हमारे साधन है फ्लड से संबंधित वो हमने डिप्यूट कर रखे हैं। तो सर, पानी की स्थिति क्या है चांदपुरा साइफन तक, कितना पानी अभी तक किया गया है? अभी गुला चिक्का में 23.9 है, तो अभी वो पानी हमारा आराम से निकल जाएगा आगे, और ऐसी कोई बाढ़ की स्थिति नहीं बन पाई।